अच्छा एक थ्योरी है, मैं बहुत दिल से बिलीव करता हूँ इस थ्योरी के बारे में और इसको सही मानता हूँ और इसको पब्लिश भी करता हूँ, मतलब कई जगह पे बोलता हूँ, कई क्लाइंट के सामने बोलता हूँ, उनको समझाता हूँ इस बारे में। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि व्हाट्सएप पे है, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। मुझे रिप्लाई चाहिए हर किसी का, जितने भी योग प्रेमी हैं, योग अभ्यासी हैं या योग शिक्षक हैं, आप मुझे रिप्लाई दें कि आपको आप इत्तेफाक रखते हैं इस थ्योरी से या नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर परफेक्ट आसन बताओ, परफेक्ट कैसे करेंगे, पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट कैसे, बिल्कुल सही आसन क्या है। तो इस बात का जवाब क्या आता है कि आप परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप क्या परफेक्ट करेंगे, आज तक मैंने परफेक्ट नहीं किया कुछ भी, मैंने कोई आसन परफेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने जिससे मैंने सीखा उन्होंने कोई आसन परफेक्ट नहीं किया। परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, महर्षि पतंजलि ने कोई आसन परफेक्ट नहीं किया, विश्व योग गुरु अमृत देसाई ने कोई आसन परफेक्ट नहीं किया, बिल्कुल सही जिसको कहेंगे कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही है और उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, इसमें एक एक उंगली भी सही जगह पर रखी है, श्वासें भी बिल्कुल सही हैं, ध्यान भी बिल्कुल सही जगह पर है, एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है। तो केवल और केवल किसी ने परफेक्ट किया है कोई आसन तो वो स्वयं शिव हैं और उनके बाद और किसी ने कुछ परफेक्ट नहीं किया है। हम सब सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को परफेक्ट करने की, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और हम ता उम्र कोशिश करते रहेंगे। परफेक्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ परफेक्ट होता है। जो आप कहते हैं ना कि सही आसन क्या है, परफेक्ट आसन क्या है, परफेक्ट पोस्चर क्या है, तो कृपया करके मुझे रिस्पॉन्स करें इस बात पर कि आप इस बात से सहमत हैं या फिर कोई इसमें अपवाद है। ठीक है, जितने भी योग प्रेमी हैं, योग शिक्षक जितने भी हैं वो भी मुझे रिप्लाई दें और जितने भी योग अभ्यासी हैं वो भी मुझे रिप्लाई दें और जो योग को समझना चाहते हैं, जो आगे सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी रिप्लाई दें कि आपका इस थ्योरी पे क्या मत है। ठीक है, थैंक यू।